मैं गुफरान खान आज अपने सभी मैकेनिक भाइयों के लिए लेकर आया हूँ केसरी वेगनर को कैसे ऑटोमेटिक बनाएं। दोस्तों आजकल की भीड़ भाड़ में थकने से बढ़िया है कि हम अपनी मैनुअल केसरी वेगनर को ऑटोमेटिक ही बनाएं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल परफेक्ट कार डॉक्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो मैनुअल किसी वेगनर है उसे कैसे ऑटोमेटिक बनाएं और उसमें क्या क्या पार्ट चेंज करने होंगे और किन किन सामानों का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले आपको AMT गियरबॉक्स लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। आप VXI वेगनर के सीरीज का भी आप AMT गियरबॉक्स ले सकते हैं या सिनेरियो का भी ले सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी AMT गियरबॉक्स को ले सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी गियरबॉक्स आपको चल जाएगा। AMT गियरबॉक्स भी आपको लेना पड़ेगा, फ्लाई व्हील भी आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, और आपका सेल्फ स्टार्टर वही रहेगा जो पहले से था, सेल्फ स्टार्टर आपको चेंज नहीं करना है। आपको AMT यूनिट लेनी पड़ेगी, AMT यूनिट की वायरिंग भी लेनी पड़ेगी दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑयल की बोतल भी आपको बदलनी पड़ेगी, और एक्सल आपके वही रहेंगे जो पहले से हैं, एक्सल आपको नहीं चेंज करने हैं। उसके बाद आपको क्लस्टर मीटर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, क्लस्टर मीटर की आपको वायरिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, गियर लीवर कंट्रोल भी आपको बदलना पड़ेगा, और क्लच पैडल भी आपको हटाना पड़ेगा, और ब्रेक जो पैडल है उसको भी हटा करके बड़ा ब्रेक पैडल लगाना पड़ेगा। दोस्तों ब्रेक पैडल जो होता है ऑटोमेटिक कार में वो बड़ा होता है, बड़ा पैडल आपको लगाना पड़ेगा, और इसके बाद आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी मैनुअली से। दोस्तों इन सामानों को बदल करके आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको ये और बता दूं कि ये सामान अगर आपको महंगा पड़े नया, तो आप ये सामान भारत की सबसे बड़ी मार्केट जो कि मायापुरी दिल्ली में है, आप यहाँ से भी सामान को खरीद सकते हैं, पुराना सामान भी आपको कम रेट में मिल जाएगा, तो यहाँ से लेकर भी आप अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।